हेलो स्टूडेंट, डिस्टेंस टाइम एंड स्पीड के इस एपिसोड में हम लोग एवरेज स्पीड से रिलेटेड कंसेप्ट को करेंगे। स्टूडेंट, नॉर्मली जब कभी भी हमें एवरेज निकालनी होती है तो एवरेज निकालने के लिए प्रायः हम सम ऑफ क्वांटिटी बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी को करते हैं। लेकिन अगर कभी कोई आपको कहे कि कोई एक कैरेक्टर है जो मान लो ए से बी तक 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गया, बी से सी तक 48 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गया और सी से डी तक 42 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गया, तो पूरे जर्नी के दौरान उसका एवरेज स्पीड क्या होगा? तो आप 30 प्लस 48 प्लस 42 बाय 3 नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि सीधे सीधे सम ऑफ क्वांटिटी बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी से आप एवरेज स्पीड नहीं निकाल सकते। स्टूडेंट, नॉर्मल जो ये एवरेज निकालने का फॉर्मूला है वो वैसे टर्म्स के लिए है जो सेल्फ एग्जिस्ट करता है, यानी जिसका यूनिट एक सिंगल कैरेक्टर का हो। जैसे सिर्फ तीन दुनिया रहती और तीनों के बीच का एवरेज डिस्टेंस हमको निकालना होता तो डिस्टेंस सिर्फ मीटर में होता है या सिर्फ किलोमीटर में होता है, सिंगल कैरेक्टर का उसका यूनिट होता है, तो हम उसको निकाल सकते थे। इसी तरह से तीन टाइम इंटरवल होता, मान लो 4 घंटे, 6 घंटे, 3 घंटे, और उसके बीच का हमको एवरेज टाइम ड्यूरेशन निकालना था तो हम 4 + 6 + 3/3 कर सकते थे। लेकिन अगर तीन अलग अलग स्पीड दिया हुआ है तो हम एवरेज स्पीड निकालने के लिए यहां पर सम ऑफ क्वांटिटी बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी नहीं कर सकते, क्योंकि स्पीड सेल्फ एग्जिस्ट करने वाला टर्म नहीं है, यह एक रेशियो टर्म है। यह डिपेंड करता है किस पर? तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर और टोटल टाइम टेकन पर, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, यह दो कैरेक्टर का है। तो हम लोग समझते हैं कि फिर एवरेज स्पीड हम लोग कैसे निकालें। कहता है स्टूडेंट, एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम लोग जो स्पीड का एक बेसिक फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के साथ हमको जाना होगा। जब कभी भी किसी भी रेशियो टर्म का आप स्पीड निकालेंगे तो आपको उस टर्म के एग्जिस्टेंस का जो तरीका है, जो फॉर्मूला है, उसी के साथ आपको जाना होगा। तो कहता है एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा? तो कहता है जनरली स्पीड क्या होता है? तो स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, और एवरेज होता है सम बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो कहता है उस टर्म में करो कि स्पीड निकलता है न्यूमरेटर में डिस्टेंस, तो लिखो सम ऑफ ऑल द डिस्टेंसेस, और यू कैन से कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तय की गई कुल दूरी, एंड बाय सम ऑफ टाइम टोटल टाइम टेकन, तय करने में लिया गया कुल समय, तब आप एवरेज स्पीड निकाल पाएंगे। तो स्टूडेंट, जब कभी भी एवरेज स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप क्या करेंगे? आप दिमाग में यह फॉर्मूला रखेंगे कि एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए। तो आपको टोटल डिस्टेंस ट्रेवल चाहिए कि आप जिस जगह से जिस जगह तक जा रहे हैं, भले ही अलग अलग पार्ट्स ऑफ डिस्टेंस को आप अलग अलग स्पीड से कवर करें, लेकिन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है वो एज ए न्यूमरेटर आप लें, कुल कितनी दूरी तय की गई वो अंश के स्वरूप में आप लें, और टोटल कितना समय लगा उसको आप एज ए डिनोमिनेटर लें, कुल लगे गए समय को हर के स्वरूप में लें और फिर सॉल्व करें। जैसे इसको इलस्ट्रेट करने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लें, हम इसको मिटा लें। ये फॉर्मूला आपका क्लियर है कि एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ एक इलस्ट्रेशन से इसको क्लियर करें। जैसे क्वेश्चन है कि श्याम ट्रेवल्स फर्स्ट 120 किलोमीटर ऑफ हिज जर्नी विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट 90 किलोमीटर ऑफ हिज जर्नी विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, एंड लास्ट 25 किलोमीटर ऑफ हिज जर्नी विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ श्याम ड्यूरिंग होल जर्नी। तो अगर स्टूडेंट हमको यहां पर एवरेज स्पीड निकालनी है तो हम एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे? तो हम स्टूडेंट एवरेज निकालने के लिए श्याम द्वारा तय किए गए टोटल डिस्टेंसेस को लिखेंगे। तो उसने क्या किया है? पहले 120 किलोमीटर कवर किया है, फिर 90 किलोमीटर कवर किया है, और फिर
25 किलोमीटर कवर किया है, तो हम करेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड 120 प्लस 90 और प्लस 25। तो ये तो निकल गया कि टोटल तीन अलग अलग डिस्टेंस को श्याम कवर कर रहा है। अब कहता है फॉर्मूला कहता है एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, लेकिन टाइम तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। लेकिन स्टूडेंट टाइम नहीं दिया है, लेकिन ये बतलाया है कि यह जो 120 किलोमीटर है इसको 40 किलोमीटर पर आवर से चला है, तो अगर हम डिस्टेंस बाय स्पीड कर देंगे तो टाइम होगा। फिर कहता है ये जो 90 किलोमीटर है इसको 60 के स्पीड से चला है, तो इस 90 में क्या समय लगा वो निकल गया, और ये जो 25 किलोमीटर लास्ट में है उसको 50 के स्पीड से चला है। तो क्या हुआ कि जब हम हर डिस्टेंस के पार्ट को उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो उस डिस्टेंस पार्ट में क्या समय लगा वो निकल गया, और फिर तीनों टाइम को ऐड कर लेंगे तो टोटल टाइम टेकन भी निकल जाएगा। तो हम अगर इसको स्टूडेंट कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो गया, 3 टाइम्स में ये 1.5 और ये 0.5, तो हम ऐड कर लेंगे 120 प्लस 90 310 और प्लस 25 तो क्या हो जाएगा 335। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया और टोटल टाइम टेकन 3 प्लस 1.5 4.5 और प्लस 0.5 तो 5। तो अगर हम इसको क्या करेंगे, अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो 5 6 था 30 और 3 35 तो 5 7 था 35 तो 67 किलोमीटर पर आवर, तो ये आंसर हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम ये नहीं कर सकते थे कि हम तीनों ही स्पीड को 40 प्लस 60 प्लस 50 करके 3 से डिवाइड कर लेंगे, बिल्कुल गलत होगा। हम जब कभी भी एवरेज स्पीड निकालेंगे तो जो एक नॉर्मल फॉर्मूला है स्पीड का डिस्टेंस बाय टाइम, उसके बेसिस पर एवरेज स्पीड का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला लेंगे कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, और उसके बेसिस पर इसे बनाएंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं कि श्याम ट्रेवल्स फर्स्ट 50% ऑफ हिज जर्नी विद द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट 30% ऑफ हिज जर्नी विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड रेस्ट ऑफ हिज जर्नी विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ श्याम ड्यूरिंग होल जर्नी। अब स्टूडेंट जब कभी भी परसेंटेज का क्वेश्चन होना एवरेज स्पीड में, तो परसेंटेज चैप्टर में कंसेप्ट है कि कंप्लीट वैल्यू और यूनिट वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू 100%। तो टोटल जर्नी को आप क्या करो 100% मान लो, हमें एवरेज स्पीड निकालनी है तो एवरेज स्पीड के लिए क्या फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो जब परसेंटेज में है तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड आप 100% मानो, हां परसेंट नहीं लिखते हैं उसको, मन में किलोमीटर जैसा फीलिंग लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम टोटल 100% माने। अब वह जितना परसेंट बोलेगा, लेकिन हम ट्रीट करेंगे 100 किलोमीटर जैसा, जितना परसेंट बोलेगा उतना किलोमीटर समझेंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता था, क्वेश्चन कहता था कि फर्स्ट 50% जो है वो क्या चला, 25 के स्पीड से चला, तो टाइम निकालते हैं कि मान लो पहला 50 किलोमीटर वो 25 के स्पीड से चला। फिर कहता है नेक्स्ट 30% 20 के स्पीड से चला, तो क्या कर लेंगे फिर 30/20, और फिर कहता है रेस्ट, तो 50 प्लस 30 80% चल लिया, तो बचा रेस्ट कितना 20, तो इसको वो क्वेश्चन में क्या कह रहा था 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है, तो फिर ये क्या हो गया, किस पार्ट को किस स्पीड से चला, तो डिस्टेंस बाय स्पीड करके टाइम निकाल लिया, बिल्कुल सेम वही कंसेप्ट रिपीट हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा 2 आवर्स, ये 1.5 और ये 0.5, तो टोटल हमने 100 एज्यूम किया हुआ है डिस्टेंस, और 2 प्लस 1.5 3.5 प्लस 0.5 4, तो क्या हो जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमेशा दिमाग में रखना है कि जब कभी भी हमें एवरेज स्पीड निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। एक और इलस्ट्रेशन लेते हैं इसे समझने के लिए। श्याम ट्रेवल्स फर्स्ट 3 आवर्स ऑफ हिज जर्नी विद द स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट 1 आवर विद द स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर एंड लास्ट 2 आवर्स विद द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ श्याम ड्यूरिंग होल जर्नी। अब स्टूडेंट इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिस्टेंस रहता था, स्पीड रहता था, टाइम नहीं रहता था, लेकिन इस क्वेश्चन में तो डिस्टेंस ही नहीं है। लेकिन अगर डिस्टेंस नहीं है तो स्पीड और कोरस्पॉन्डिंग टाइम है, तो अगर हमें एवरेज स्पीड निकालनी है तो पहले हमको क्या निकालना होगा, तो पहले हमको निकालना होगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। तो क्या कहता है, फर्स्ट 3 आवर्स 48 के स्पीड से चला, तो स्पीड इनटू टाइम कर दिए, तो पहले 3 घंटे में कितना दूर चला निकल गया,
फिर कहता है नेक्स्ट 1 आवर 66 के स्पीड से चला, तो 66 इंटू 1 कर दिए तो 1 आवर्स का डिस्टेंस निकल गया, और लास्ट 2 आवर्स 72 के स्पीड से चला, तो ये क्या निकला, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पहले 3 घंटे में इतना चला, अगले 1 घंटे में इतना चला, अंतिम 2 घंटे में इतना चला, और टोटल टाइम टेकन, तो पहले 3 घंटा, फिर 1 घंटा, फिर 2 घंटा। तो आप इसको सॉल्व कर दो, 483 तक क्या हो जाएगा 144, 66 इंटू 1 क्या हो जाएगा 66, और 72 टू द क्या हो जाएगा फिर से 144, और बाय तो टोटल टाइम 3 + 1 = 4 + 2 = 6। तो हमने अब क्या निकाल लिया कि कितना कितना फर्स्ट 3 आवर्स का टोटल जर्नी 144 किलोमीटर है, नेक्स्ट 1 आवर का 66 किलोमीटर है, और लास्ट 2 आवर का 144 किलोमीटर है। तो फाइनली हमें क्या करना है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो ये जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है ये क्या है, इस तीनों को आप ऐड कर लीजिए, 354 किलोमीटर आएगा तीनों को ऐड करके, और बाय 6, तो क्या हो जाएगा 6 5 द 30 और 6 9 द 54, तो 59 किलोमीटर पर आवर। तो जब कभी भी स्टूडेंट, चाहे हमें डिस्टेंस निकालना पड़े, चाहे हमें टाइम निकालनी पड़े, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यह दिमाग में रखेंगे कि जब कभी भी एवरेज स्पीड निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। स्टूडेंट, जब कभी भी डिस्टेंस नहीं दिया गया हो लेकिन वो बता दे प्रश्न में कि इक्वल डिस्टेंसेस को अलग अलग स्पीड से कवर किया जा रहा है, तो वैसे केस में हम लोग कुछ फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। जैसे अगर 2 कैरेक्टर का क्वेश्चन है, 2 बराबर दूरियों को 2 अलग अलग चाल से तय करें, तो कहता है 2xy by x plus y कर लो, एवरेज स्पीड हो गया। अगर 3 इक्वल डिस्टेंसेस है और उसको 3 डिफरेंट स्पीड से कवर किया जाए, तो कहता है 3xyz by xy plus yz plus xz आपका आंसर निकालने का फॉर्मूला हो गया। और अगर 4 इक्वल डिस्टेंसेस को 4 अलग अलग स्पीड से कवर किया जाए, तो 4wxyz by wxy plus xyz plus wxz plus wyz आपका आंसर हो गया। इसको और बेटर इलस्ट्रेट करने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है कि श्याम गोज फ्रॉम ए टू बी विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न बैक विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, देन व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ श्याम ड्यूरिंग होल जर्नी। तो स्टूडेंट, अब श्याम ए से बी तक गया और वापस आ गया, तो इसका मतलब है कि वो 2 इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है, जितना दूर गया उतना ही दूर वापस आया। तो कहता है आप फॉर्मूला लगा दो कि 2 गया किससे, तो 40 के स्पीड से, आया किससे, तो 60 के स्पीड से, और बाय एक्स प्लस वाई, तो 40 + 60 कर दो। तो इसको एक और स्टेप हम लोग ले जाएंगे, तो 2 × 40 × 60 बाय 60 + 40 क्या हो जाएगा 100, तो क्या हो गया आंसर, तो 6 × 4 = 24 × 48 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। तो स्टूडेंट, एक तो ये सीधा तरीका है जो अलजेब्रा का तरीका आपको लिखा, दूसरा कहता है एक एलसीएम कंसेप्ट पर भी हम इसके साथ जा सकते हैं। कहता है एलसीएम कंसेप्ट इसका क्या होगा, कहता है इसी क्वेश्चन को अगर आपको एलसीएम कंसेप्ट से बनाना है, तो कहता है जितना इक्वल डिस्टेंसेस रहे वो लिखो, तो कहता है 2 इक्वल डिस्टेंसेस है, ए से बी गया और वापस लौटा, लिख दिया 2। कहता है जो दिया गया स्पीड है उसका एलसीएम ले लो, तो 40 60 का एलसीएम 120 ले लिया। कहता है अब इसमें भाग दो 40 से, कितना बार में 120 में एलसीएम में भाग लग रहा है, 3 बार में नीचे लिखो, 60 से कितना बार में लग रहा है, कहता है 2 बार में, प्लस करके करो और सॉल्व कर लो, तो क्या हो जाएगा 2 × 120 / 5, तो क्या हो जाएगा 5 से 24 टाइम्स में, और 24 × 48 किलोमीटर। तो कहता है दोनों ही प्रोसेस है, 2 कैरेक्टर में कई बार लगता है कि हमारा अल्जेब्रिक ही आसान है, लेकिन यह भी ध्यान देंगे जैसे जैसे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बढ़ेगा अल्जेब्रिक टफ होता जाएगा, उसमें बड़े कैलकुलेशन आते जाएंगे, लेकिन वहां पर हमारा एलसीएम कंसेप्ट इजी होगा। हालांकि 2 कैरेक्टर वाले के लिए आप बिल्कुल अल्जेब्रिक के साथ जाइए, आपका प्रेफरेंस होना चाहिए। तो ये क्लियर है दोनों ही मेथड से, एक तो क्या हो गया कि अल्जेब्रा का फॉर्मूला है 2xy / x
प्लस वाई, तो हमने मान लिया गया एक्स के स्पीड से तो एक्स का वैल्यू 40, लौटा वाई के स्पीड से तो वाई का वैल्यू 60 और सॉल्व कर लिया। दूसरा हमने क्या किया, जो भी दिया गया स्पीड है उसका एलसीएम ले लिया और डिनोमिनेटर में एलसीएम में उस दिए गए स्पीड से कितना कितना बार में भाग लगा उसको जोड़ा और सॉल्व कर दिया। एक और क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा इससे बड़े कैरेक्टर का। क्वेश्चन कहता है कि श्याम गोज फ्रॉम ए टू बी विद द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, फ्रॉम बी टू सी विद द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर एंड फ्रॉम सी टू डी विद द स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर। इफ द डिस्टेंसेस बिटवीन ए बी बी सी एंड सी डी आर इक्वल टू इच अदर देन फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ श्याम ड्यूरिंग होल जर्नी। तो अब स्टूडेंट क्या कर रहा है इस क्वेश्चन में, अगर आप इस क्वेश्चन को समझोगे तो थ्री इक्वल डिस्टेंसेस को क्या कर रहा है क्वेश्चन में, थ्री इक्वल डिस्टेंसेस को थ्री अलग अलग स्पीड से कवर कर रहा है। तो फॉर्मूला से एक वैरायटी हम लोग ट्राई करते हैं तो क्या हो जाएगा, थ्री और स्पीड क्या है तो 36 इंटू 18 इंटू 24। तो फॉर्मूला क्या है कि एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस एक्स जेड। अब स्टूडेंट देखो यहां तीन मल्टीप्लीकेशन आ गया, 36 इंटू 18 करना पड़ेगा, 18 इंटू 24 करना पड़ेगा, प्लस 36 इंटू 24 करना पड़ेगा, फिर ऊपर भी कैलकुलेशन है, फिर सॉल्व करेंगे। लेकिन फिर मैं यहां सजेस्ट करूंगा कि आप जैसे ही नंबर ऑफ कैरेक्टर्स तीन हो चार हो अलजेब्रा छोड़ दो, अलजेब्रा आप सिर्फ तब लगाना जबकि कोई भी क्या करे फ्रैक्शन में कोई डाटा दिया हुआ रहे, कि जैसे अब दे देता आपको कि स्पीड एक कोई एक स्पीड आपको दे दे जो फ्रैक्शनल हो जो भिन्न में हो, तब आप अलजेब्रा से तीन कैरेक्टर या चार कैरेक्टर के क्वेश्चन को करना। अगर प्लेन डाटा हो तो आपको एलसीएम कंसेप्ट के साथ जाना चाहिए। थ्री इक्वल डिस्टेंसेस है, 36, 18 और 24 देखो जितना इक्वल डिस्टेंसेस रहे वो लिखना है। यहां भी दो इक्वल डिस्टेंसेस था तो हमने दो लिखा था एलसीएम मेथड में, यहां थ्री इक्वल डिस्टेंसेस है ए बी बी सी और सी डी, तो थ्री लिखा। कहता है तीनों स्पीड का एलसीएम ले लो, तो 36, 18 और 24 का एलसीएम 72, 36 से 72 में भाग लगाओ कितना बार में, दो बार में, प्लस करके करते जाओ 18 से कितना बार में, फोर बार में, और 24 से थ्री बार में। कहता है सॉल्व करो 3 इंटू 72 और बाय, तो 4 प्लस 2 6 प्लस 3 9, 9 से कैंसिल, 9 8 द 72, 8 3 द 24 किलोमीटर पर आवर। अब दोनों में बहुत फर्क है स्टूडेंट, अगर अलजेब्रिक मेथड से आप बना भी लेंगे तो आपको समय लगने वाला है, आपको कैलकुलेशन में जाना होगा, लेकिन ये बहुत ही प्लेन कैलकुलेशन के साथ सिंपल कैलकुलेशन के साथ आपको मिलेगा। तो जब कभी भी दो कैरेक्टर से अधिक वाले प्रश्न में जाएं, तीन कैरेक्टर में चार कैरेक्टर में या और भी बड़ा हो गया, तो आप एलसीएम कंसेप्ट को लें तो आपका एवरेज स्पीड बहुत ही आसानी से निकलेगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं और बड़े कैरेक्टर का, हम लोग फोर कैरेक्टर का एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है कि श्याम ट्रेवल्स फोर इक्वल डिस्टेंसेस विद द स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर, 24 किलोमीटर पर आवर एंड 72 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ श्याम ड्यूरिंग द होल जर्नी। अब स्टूडेंट अगर आप इसको अलजेब्रा के साथ ट्राई करोगे इस प्रश्न को, तो अगर इस प्रश्न को आप अलजेब्रा के साथ ट्राई करोगे तो फोर इक्वल डिस्टेंसेस है तो आप लिखो फोर, फिर क्या क्या दिया हुआ है स्पीड तो 48, 36, 24 और 72, फिर एज पर फॉर्मूला पहले कहता है डब्ल्यू एक्स वाई, तो क्या होगा 48 इंटू 36 इंटू 24, फिर आप फॉर्मूला पुट करते चले जाओ, फिर होगा 36 इंटू 24 इंटू 72, फिर होगा 48 इंटू 36 इंटू 72 और फिर होगा 48 इंटू 24 इंटू 72। अब ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन है स्टूडेंट, अगर इसको आप करने लगेंगे एग्जामिनेशन में तो फिर तो ये आपका पूरा टाइम किल कर देगा, और बेटर होगा कि हम लेफ्ट करके बढ़ जाएं। अगर हमें इतना कैलकुलेशन करना होगा इतने समय में हम लोग कई प्रश्न को कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम यहां पर जो दूसरा कंसेप्ट है एलसीएम कंसेप्ट लगाएंगे। क्या कहता है फोर इक्वल डिस्टेंसेस, फोर इंटू एलसीएम लो 48, 36, 24 और 72 का, इट्स 144। 48 से कितना बार में, थ्री बार में, 36 के कितना बार में, फोर बार में, 24 से कितना बार में, सिक्स बार में, और 72 से टू बार में, क्या हो जाएगा 4 इंटू 144 और डिवाइडेड बाय, तो 4 प्लस 3 7 प्लस 6 13 प्लस 2 15।
तो आप कैंसिल कर लो थ्री से, थ्री से फाइव टाइम्स में, और आप थ्री से करेंगे तो क्या हो जाएगा 48 टाइम्स में, तो क्या हो जाएगा फाइनली 48 इंटू फोर, तो 192 बाय 5 किलोमीटर पर आवर, या इसको हम थोड़ा सा डेसिमल में ला दें तो क्या हो जाएगा 38.4 किलोमीटर पर आवर। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, जब कभी भी हमें इक्वल डिस्टेंसेस को अलग अलग स्पीड से कवर करनी होगी तो हम इसको एलसीएम कंसेप्ट से बनाएंगे, खास करके जब बड़ा डाटा हो। दो कैरेक्टर वाले को आप किसी से भी बना सकते हो, वो अल्जेब्रिक मेथड से भी इजी है, लेकिन जब बड़े कैरेक्टर्स में जाएंगे तो उसको एलसीएम कंसेप्ट से बनाएंगे, और ये हमारे समय को बहुत बचाएगा, कैलकुलेशन को भी बचाएगा। तो उम्मीद है आप इस वीडियो के माध्यम से जो डिस्टेंस टाइम एंड स्पीड का एवरेज स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन होता है उसे बेटर समझेंगे। थैंक यू।